दोस्तों एक चिकन रोल बनाने के लिए पहले एयर फ्रायर में मैंने चिकन 500 ग्राम चिकन को उसको मैंने रोस्ट कर लिया। फिर उसके बाद चिकन पीसेस सेपरेट कर लिया। फिर तवे पे तेल डाल के ये पराठा, ये मैदे का पराठा तेल से तल लिया, यानी थोड़ा फ्राई कर लिया। पहले पराठा बना के रखा था, थोड़ा मतलब फुल्ली नहीं, हाफ डन आधा करके रखा था उसको। अभी तेल से तेल में फ्राई कर रहा हूँ, तल दिया तेल में। अब इसमें अंडा डालना है, अंडा तोड़ना है। देखिए कैसे अंडा तोड़ रहा हूँ मैं, अंडा उसी में तोड़ दिया। अब ये येलो और वाइट को मिलाना है। चूल्हा से मिला लिया। अब इसको पलटना है, मतलब डालना है, एक को कवे में डाल दिया। फिर अब उसके ऊपर चलिए पराठा डाल दिया ऊपर से, उसके पक गया नीचे से। अब जो थोड़ा और उसको तवे पे रखना है, रखने के बाद ये तैयार हो गया। अभी इसको ये हो गया तैयार। अब इसमें स्टफिंग डालना है। अंदर हमने स्टफिंग के लिए मैंने प्याज डाला है, ये प्याज। फिर डालना है हरी मिर्च, दो चार हरी मिर्च, कुछ हरी मिर्च, फिर नमक, नमक छिड़कना है। इसके बाद अब फिर चिकन, चिकन पीसेस जो मैंने पहले बना के रखा था, तंदूरी चिकन या चिकन रोस्ट व्हाटएवर यू से। अब इसमें सॉस, थोड़ा सॉस डाल दिया, हो गया तैयार। अब इसमें पैक करना है पेपर में, रोल को पेपर में पैक करना, पैकिंग। ये बहुत ही आसान है, ये लिए बिल्कुल मार्केट वाला एक चिकन रोल आप बना सकते हैं, जो 70 से 150 रुपये में बिकता है। आप जगह खाते हैं, ये बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं। ये तैयार हो गया मेरा चिकन एग रोल। अब टेस्टिंग टाइम, योर रिएक्शन प्लीज। ভালো দোকানে মটন নো।